हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में किन किन बुक्स की आवश्यकता है और किन किन बुक्स को पढ़ के आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, इस बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो लास्ट 15 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको सबसे पहले आप बहुत माइन्यूटली उसको स्टडी करें और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको देखें। कई लोग प्रिपरेशन के टाइम में पहले किताबों से पढ़ते हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन इससे नुकसान ये रहता है कि आप बिना क्वेश्चन पेपर पे पढ़े हुए अगर जब किताबों पे सीधा स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं रहता कि किस टॉपिक से किस टाइप के कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आपने लास्ट 15 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको ठीक तरीके से एनालाइज कर लिया है और ये देख लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, किस फील्ड के आ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में लगभग 5 से 7 सवाल जो अलग अलग लैंग्वेज में लगभग रिपीट होते रहते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे एक एज ले सकते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपने चाहे वो नेट के थ्रू पढ़ा हो या बाकी लोगों के जो टॉपर्स हैं उनके जो इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें कई लोगों का कहना है कि जो बुक्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स में मिश्रापुरी हो गया, विपिन चंद्रा हो गया, हिस्ट्री में सुभाष कश्यप है, ये बुक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो बुक्स हैं ये आपको एक बहुत अच्छा एक रीडिंग मटेरियल दे सकती हैं, उस टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकती हैं, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन में इन बुक्स की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक बुक्स हैं उसको पढ़ना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, ना कि बहुत ज़्यादा बुक्स पे ध्यान देके अपना टाइम वेस्ट करना है। इसमें कई कैंडिडेट्स जो क्वेश्चन को देखकर अगर एक क्वेश्चन पेपर में उस पर्टिकुलर बेसिक बुक से नहीं आया तो उस क्वेश्चन के लिए एक नई किताब खरीद लेते हैं, उस पूरी किताब को एक तरीके से घोट मारते हैं, रट लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और जो आज की तारीख में सबके पास जो फ़ोन पे इंटरनेट अवेलेबल है उसमें भी कई लोग स्टडी मटेरियल को ढूंढते रहते हैं, जो बाकी कोचिंग हैं उनके मॉक टेस्ट देते रहते हैं, जिस जो सिवाय टाइम वेस्टेज को और कुछ भी नहीं है। कोचिंग्स की जो रेलिवेंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा उनसे एक प्रभावित नहीं हूँ मैं। मैंने भी कोचिंग ज्वाइन की थी लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिला और कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहा, और बाद में भी अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि जो लोग खुद सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जो कोचिंग खोले हुए हैं, वो किस तरीके से इसमें कैसे सिलेक्ट होना है बता सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं हिस्ट्री में, अगर आप 6th क्लास से लेकर 12th तक पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ पाएँ तो सिर्फ स्पेक्ट्रम की जो हिस्ट्री की बुक आती है सिर्फ उसी को स्टडी करें, और जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसको पढ़ें। पॉलिटी में भी स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसको स्टडी करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में MNM की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, उससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी में MNM की बुक है वो सफिशेंट है। जो TMH की जो GS की जो बुक आती है उसमें आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो एक अच्छा एक रीडिंग मटेरियल रहता है। करंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मैगज़ीन आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में जो क्रॉनिकल मैगज़ीन है उसको उसमें काफ़ी टॉपिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से कवर रहते हैं तो वो सफिशेंट है। उसमें कई लोग कहेंगे कि आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैंने कोई न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया था प्रिपरेशन टाइम में, लेकिन GS में बहुत अच्छे मार्क्स मुझे मिले थे 1st 2nd पेपर दोनों में, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो मैंने आपको जो मॉक टेस्ट बताया, मॉक टेस्ट जो है जो इंटरनेट पे जो अवेलेबल रहते हैं विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनके क्वेश्चंस में और जो UPSC में क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो UPSC क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें और जो ये बुक्स मैंने आपको बताई हैं अगर आप इनको स्टडी करते हैं
तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।